हे वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। तो पिछली वीडियो में हमने दोस्तों 225 प्रश्न आपके साथ डिस्कस किए थे। आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा 250 प्रश्न। जी हाँ, 250 प्रश्न इस वीडियो में हम जनरल स्टडी के डिस्कस करेंगे, जो आपसे प्रीवियस एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये प्रश्न सिर्फ सीजीएल के नहीं, आपके जितने भी एसएससी के एग्जाम हैं, चाहे रेलवे के एग्जाम हैं जिसमें जनरल स्टडी आती है, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। देखिए, कल हमारा स्लाइड नंबर 225 पे हमने खत्म किया था, ठीक है। तो आज शुरू कर रहे हैं इसको हम 228 से। आप प्रश्न गिन लीजिएगा, टोटल 250 प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन। इमल्शन का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? चॉकलेट मिल्क, बटर, व्हिप्ड क्रीम और कर्ड। सो इमल्शन का एग्जाम्पल दही, यानी कि कर्ड ऑप्शन 4 है राइट आंसर। क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रेटी, एक संधि थी टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ठीक है भाई, ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन उसको कम किया जाएगा। फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड एट विच कंट्री? तो क्योटो प्रोटोकॉल की पहली मीटिंग कौन सी कंट्री में हुई थी? जापान में। ऑप्शन 3 है इसका राइट आंसर। हु अमंग फॉलोइंग डिवाइज्ड द टेक्निक IVF इन विट्रो, जिसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो कौन ये टेक्निक लेके आए थे भाई? रॉबर्ट एडवर्ड। ऑप्शन 2 है राइट आंसर। विच कंट्री हैज बैंड फेसबुक? फेसबुक को किसने बैन किया है भाई? चाइना ने। ऑप्शन 1 है राइट आंसर। तो यहां पे आपको कुछ पेयर दिए गए हैं, जैसे कि गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट से इंडिकेट करता है, ब्लू रेवोल्यूशन जो है फर्टिलाइजर से, येलो रेवोल्यूशन जो है एग की प्रोडक्शन से। तो कौन सा इनकोरेक्ट पेयर है या करेक्ट पेयर है, सॉरी इनकोरेक्ट पेयर है, वो आपको बताना है। तो इसमें से जो इनकोरेक्ट पेयर है, दूसरा ब्लू रेवोल्यूशन है जो कि फर्टिलाइजर से बिलोंग नहीं करता, गलत है। येलो रेवोल्यूशन जो है प्रोडक्शन ऑफ एग से बिलोंग नहीं करता, तो एक ही सही है, गोल्डन रेवोल्यूशन जो है आपका फ्रूट प्रोडक्शन से। MTNL कम्स अंडर विच ऑफ फॉलोइंग कैटेगरी? MTNL कौन सी कैटेगरी में आती है? नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न। तो ये नवरत्न कंपनी में आती है। ऑप्शन 1 है राइट आंसर। विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर फंडामेंटल ड्यूटी? फंडामेंटल ड्यूटी में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता? सो जो टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये जो है आपका, ये फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आता। ऑप्शन 4 है राइट आंसर। विच एम्परर रोट द प्ले नागनंदा इन संस्कृत लैंग्वेज? तो किसने लिखा था भाई नागनंदा? ये लिखा था हर्षवर्धन ने। ऑप्शन 2 है राइट आंसर। द बाउंड्री बिटवीन अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी। ऑप्शन 1। डोल्ड्रम प्रेशर बेल्ट लाइज इन बिटवीन विच ऑफ फॉलोइंग लैटिट्यूड? सो डोल्ड्रम प्रेशर बेल्ट कौन से लैटिट्यूड में लाई करती है भाई? 50 डिग्री नॉर्थ टू 50 डिग्री साउथ। ऑप्शन 1 है। विच कॉम्पोनेंट इन टबैको मेक इट हार्मफुल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन? सो तंबाकू में क्या होता है? निकोटीन होता है, जिसकी वजह से हार्मफुल होता है। वट इज फुल फॉर्म BOD? BOD की फुल फॉर्म क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो ऑप्शन 3 है राइट आंसर। एलिवोली इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी? सो लिवोली किससे रिलेट करता है? आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ऑप्शन 4 है राइट आंसर। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड? तो क्या होती है भाई? डेसिबल। विच कलर इज फॉर्म्ड व्हेन ब्लू एंड ग्रीन आर मिक्स्ड? तो कौन सा कलर बनता है भाई? सियान। ऑप्शन 1 है राइट आंसर। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ FTP? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो ऑप्शन 4 है राइट आंसर। व्हाट आर मेन कंपोनेंट ऑफ ब्रास एलॉय? सो ब्रास एलॉय के मेन कंपोनेंट कौन से होते हैं? कॉपर एंड जिंक। विच अमंग फॉलोइंग इज नेशनल वाटर एनिमल ऑफ इंडिया? तो कौन सा है भाई नेशनल वाटर एनिमल? जो गंगा की डॉल्फिन है। ऑप्शन 4 है इसका राइट आंसर, गंगेटिक डॉल्फिन। प्रधानमंत्री सुरक्षित मैत्रित्व अभियान प्रोवाइड्स फैसिलिटी ऑफ फ्री हेल्थ चेकअप एंड रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट ऑन डैश डे ऑफ एवरी मंथ। तो इसका आंसर क्या है? नाइन्थ डे ऑफ एवरी मंथ। वो व्हाट वाज इन्वेंटेड बाय JB Dunlop? JB Dunlop ने क्या इन्वेंट किया था? कार। एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेडियम सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड हिज 100th इंटरनेशनल सेंचुरी? तो कौन से स्टेडियम में मारी थी? शेरे बंगला स्टेडियम के अंदर।
हु अमंग अस द फॉलोइंग इज अ रिनाउड वोकलिस्ट, कौन से हैं भाई जो जाने माने वोकलिस्ट कौन से हैं? पंडित जसराज, ऑप्शन फोर है राइट आंसर. वट इज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ सचिन तेंदुलकर, तो क्या है? प्लेइंग इट माई वे, ऑप्शन टू है राइट आंसर. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, तो कौन सा फिस्कल पॉलिसी रिलेट नहीं करता है इसमें से आपको बताना है. सो जो क्रेडिट रेशनिंग है आपकी वो जो है फिस्कल पॉलिसी से रिलेट नहीं करती. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल के लिए अपॉइंट किया जाता है? 6 साल के लिए. हु इज कस्टडियन ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, भाई कौन होता है कस्टडियन कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का? प्रेजिडेंट होते हैं, ऑप्शन तीन है राइट आंसर. हु वॉज द फर्स्ट फीमेल एम्परर ऑफ इंडिया, पहली फीमेल एम्परर कौन थी? रजिया सुल्तान. हु वॉज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहले गवर्नर जनरल कौन थे भाई इंडिया के? लॉर्ड विलियम बेनेटिक, ऑप्शन वन है राइट आंसर. विच ऑफ फॉलोइंग प्लेनेट इज ऑल्सो नोन एज अर्थ ट्विन, तो विनस को हम बोलते हैं जुड़वा अर्थ का. विच ऑफ फॉलोइंग इमेजिनरी लाइन ज्वाइन प्लेसिस विद सेम लेवल ऑफ रेनफॉल, तो जो दो स्थान जिन पे जहां पे सेम लेवल का रेनफॉल होता है मैप में जो लाइन उनको आपस में जोड़ती है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? आइसो हाइट्स लाइन. सो आइसो हाइट्स लाइन ऑप्शन थ्री है राइट आंसर. व्हाट इज स्टडी ऑफ फंगस नोन एज, स्टडी ऑफ फंगस को हम क्या बोलते हैं भाई? माइकोलॉजी, ऑप्शन थ्री है राइट आंसर. विच ऑफ फॉलोइंग बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जो है रिस्पॉन्सिबल होता है भाई? लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन थ्री है राइट आंसर. हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, तो कितनी जो है हमारी छाती के अंदर रिब्स होती हैं भाई, कितने पेयर होते हैं? 12. व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन, एक बॉल को आप ऊपर उछालते हैं तो कौन सी क्वांटिटी जो है कॉन्स्टेंट रहेगी उसकी एनर्जी? ऑप्शन वन. SI यूनिट क्या होती है हीट एनर्जी की? तो वो होती है जूल, ऑप्शन वन है राइट आंसर. विच सिस्टम इज यूज्ड बाय डिजिटल कंप्यूटर टू एनकोड डाटा एंड प्रोग्राम, तो कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है भाई? बाइनरी सिस्टम. व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नाम क्या है भाई? बेकिंग सोडा. विच ऑफ फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ आयरन, आयरन ओर कौन सी है इनमें से आपको बताना है? सो जो आपकी सेडेराइट है, सेडेराइट इज आयरन ओर. विच ऑफ फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, तो किसकी सबसे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है आपको बताना है? सो जो ट्रॉपिकल रीजन है उसकी सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है. एल्बर्ट सेबिन इज नॉन फॉर डेवलपिंग, एल्बर्ट सेबिन ने क्या डेवलप किया था भाई? पोलियो वैक्सीन. हु अमंगस द फॉलोइंग इज अ रिनाउंड इंडियन क्लासिकल डांसर, सो प्रसिद्ध इंडियन क्लासिकल डांसर इसमें से कौन सी है भाई? सोनल मान सिंह, ऑप्शन तीन है राइट आंसर. हाउ मेनी इंडियन स्टेट शेयर देयर बाउंड्री विद नेपाल, तो कितने राज्यों की सीमा भारत के राज्यों की सीमा नेपाल से मिलती है? 5 राज्यों की. विच ऑफ फॉलोइंग इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर, तो जीडीपी डिफ्लेटर किसे बोला जाता है? रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल जीडीपी इज नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर. विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर करती है भाई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI. विच ऑफ फॉलोइंग कंट्री डजंट हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सो यूनाइटेड किंगडम है इसका आंसर, ऑप्शन वन. इन द इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम वोट ऑन अकाउंट इज वैलिड फॉर हाउ मेनी मंथ, तो कितने महीनों के लिए वोट ऑन अकाउंट वैलिड होता है? 2 महीनों के लिए. तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज लोकेटेड बिटवीन विच टू रिवर, तक्षशिला यूनिवर्सिटी किन दो नदियों के बीच में स्थित है? इंडस और झेलम के बीच में. वट इज मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड ऑफ ऋग्वेदा, तो कौन सा है भाई मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड? इंद्रा. विच इंडियन स्टेट हैज लार्जेस्ट शेयर ऑफ वेस्ट लैंड इन इंडिया, तो किस राज्य में सबसे ज्यादा वेस्ट लैंड है आपको बताना है? सो राजस्थान के अंदर है. विच इज द हाइएस्ट पीक इन अंडेमान एंड निकोबार, अंडेमान निकोबार की सबसे हाइएस्ट पीक कौन सी है भाई? सैडल पीक. हाउ डज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है रिप्रोड्यूस कैसे करता है भाई? सेल डिवीजन से,
ऑप्शन वन है राइट आंसर. व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है आपको बताना है. सो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. विच अमंग द फॉलोइंग इज आर फीमेल हॉर्मोन्स, तो फीमेल हॉर्मोन्स कौन कौन से होते हैं. एक तो है आपका एस्ट्रोजन फीमेल हॉर्मोन होता है, और आपका जो है प्रोजेस्टेरोन ये भी फीमेल हॉर्मोन होता है, और ये जो थर्ड नंबर पे है टेस्टोस्टेरोन ये आपका मेल हॉर्मोन होता है. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गेम प्लेयर्स मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ पास्कल्स लॉ, तो भाई किसकी गेम प्ले के लिए आपको जो है पास्कल लॉ की नॉलेज होने को मांगता है, वो है आपकी स्कूबा डाइविंग. व्हाट इज वैल्यू ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इन सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल ह्यूमन बींग, सेंटीमीटर में वैल्यू पूछ रहा है, तो 25 सेंटीमीटर का जो है लीस्ट डिस्टेंस विजन होता है हमारा. व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ISDN, ISDN की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क. ऑप्शन थ्री है राइट आंसर. विच अमंग फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट इंडाइजेशन, इंडाइजेशन के लिए जो हम किसका यूज करते हैं, एंटासिड का. विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी बिटन इंटू शीट्स, जिसको पेट के चादरे नहीं बना सकते आप, वो कौन सी मेटल है इसमें से, पोटेशियम. मिनेमाता डिसीज इज अ नर्वस डिसऑर्डर कॉज्ड बाय ईटिंग फिश पॉल्यूटेड विद, तो भाई मिनेमाता डिसीज कौन सी मेटल की वजह से होती है, मरकरी. तो जो मछलियां मरकरी खा लेती हैं और उन मछलियों को आप खा लेते हो तो आपको हो जाती है. महिला पुलिस वॉलंटियर स्कीम टू बी इंप्लीमेंटेड इन ऑल स्टेट्स ऑफ द कंट्री हैज बीन लॉन्च्ड ऑन पायलट बेसिस फर्स्टली इन विच स्टेट, तो महिला पुलिस वॉलंटियर सारे राज्यों में शुरू की जाएगी, बट सबसे पहले कौन से राज्य में ये शुरू की गई है, हरियाणा में. हु इन्वेंटेड द सेंटीग्रेड स्केल, किसने इन्वेंट किया था, एंड्रस सेल्सियस ने. जलीकट्टू प्रैक्टिस्ड इन तमिलनाडु इज पार्ट ऑफ विच फेस्टिवल, सो जलीकट्टू किसका पार्ट है भाई, पोंगल का. ऑप्शन टू है राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री, तो कौन सा भाई लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, म्यांमार लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है. व्हाट डज इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट, सो इंडिफरेंस कर्व क्या रिप्रेजेंट करती है, इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट करती है सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम टू गुड्स. ऑप्शन टू है इसका राइट आंसर. इंडिया हैज टेकन द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, सो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट हमने कहां से लिया है, यूनाइटेड स्टेट से. हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, कितनी बार बन सकता है भाई, कोई बाउंड नहीं है, कितनी भी बार बन सकता है, 9 बार. हु शॉट डेड जॉन सॉन्ड्रस ऑन 17 दिसंबर 1927 को जॉन सॉन्ड्रस को किसने मारा था भाई, भगत सिंह ने. सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज लीडर ऑफ, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन से मूवमेंट के लीडर थे भाई, बारदोली सत्याग्रह के. विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट मेजरली कंप्राइजेस ऑफ लीचेंस एंड मोसेस, तो मोसेस और लीचेंस कहां पे मिलेंगे आपको सबसे ज्यादा, टुंड्रा फॉरेस्ट. ऑप्शन टू है राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डायर्नल टेम्परेचर डिफरेंस, तो किसमें जो है डायर्नल टेम्परेचर डिफरेंस आपको मेजर देखने को मिलेगा, जो रेगिस्तान होते हैं उसमें रात में टेम्परेचर बहुत कम होता है, दिन में बहुत ज्यादा होता है. नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है, विटामिन ए की वजह से, उसकी कमी के कारण जो है नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है विटामिन ए की कमी के. राइट पोर्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट रिसीव्स ब्लड, जो हमारा दाहिना हिस्सा होता है ठीक है, उसमें किस प्रकार का ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड आता है. विच ऑफ फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है भाई, लीवर है हम सभी जानते हैं. ऑन विच प्रिंसिपल डज द हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क, तो भाई पास्कल लॉ पे ये वर्क करती है. ऑप्शन टू है राइट आंसर. एट व्हाट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स बिकम इक्वल, यार ये तो सिंपल है, -40 डिग्री है आंसर. इन MICR व्हाट डज आई स्टैंड फॉर, MICR में आई की आई जो है क्या डिनोट करता है, इंक. What is the process of conversion of solid state directly to gaseous state called?
तो इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, सीधा डायरेक्ट सॉलिड से गैसेस में बदलना, इसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्रॉन्ज अलॉय, तो क्या होता है भाई ब्रॉन्ज अलॉय के मेन कंपोनेंट, कॉपर एंड टिन। विच ऑफ फॉलोइंग कॉजेज फ्लाई ऐश, किसकी वजह से होता है भाई फ्लाई ऐश, सो जो कोल कंबशन पावर प्लांट है उसकी वजह से, आपने देखा होगा राख काले रंग की उड़ती है आसपास। Who developed the theory of relativity? Theory of relativity को किसने develop किया था? Albert Einstein ने। Queensberry rules is code for rules that directly influences which of the following sport? Queensberry rules किस में होते हैं लागू? Boxing में। Option 2 है right answer। Who amidst the following is a distinguished painter? भाई कौन सा famous painter है भाई इसमें से? अमृता शेरगिल। ऑप्शन 3 है राइट आंसर। आफ्टर विच 5-year प्लान द रोलिंग प्लान वॉज इंप्लीमेंटेड, रोलिंग प्लान कौन से 5-year प्लान के बाद आए थे? 5th। विच टैक्स कॉजेज अ बर्डन ऑन द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो कौन से टैक्स का बर्डन जो होता है समाज के जो गरीब लोग होते हैं उन पर पड़ता है डायरेक्टली, तो वो है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस। Which article was referred to as the heart and soul of the constitution by Dr. Bhimrao Ambedkar? तो किसे कहा गया है भाई article 32 को? Option 2 है right answer। Which of following provision needs a special majority in parliament? तो कौन से provision के लिए special majority हमें चाहिए? तो यदि हमें fundamental right में change करने हैं तो इसका answer है change in fundamental right। Which act ended the trade monopoly of East India Company? तो किसने खत्म की थी trade monopoly? Charter Act of 1813। Which of the following state receive rainfall due to western disturbance? तो भाई किस state, किस राज्य में जो है बारिश होती है western disturbance की वजह से? पंजाब में। Why does western ghat and eastern ghat both receive sufficient rainfall but deccan plateau receives scanty rainfall? हमने तो पढ़ा है कि जो deccan plateau है जो motion होती है मानसून की उसके parallel में आ जाता है जिसके वजह से shadow area में वो आ जाता है, वहाँ पे बारिश नहीं होती, ठीक है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, it is a rain shadow area। Option 1 है right answer। In which of the following part of the cell does the pyruvic acid is broken down into carbon dioxide, water and energy? तो किसके अंदर होता है भाई? तो ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ऑप्शन 3 है राइट आंसर। व्हाट इज प्लांट सेल वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ? प्लांट सेल वॉल किससे बनी होती हैं? लिपिड्स। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ पावर? पावर की एसआई यूनिट क्या है? वॉट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कोल? आपको पता है कोल के एंथ्रासाइट होता है, पेट भी है और लिग्नाइट भी है, तो ऑप्शन 4 है इसका राइट आंसर, सिडेराइट। विच ऑफ फॉलोइंग पेयर इज इनकोरेक्ट? पार्सेक डिस्टेंस मापते हैं, बैरल से लिक्विड मापते हैं, लाइट ईयर से टाइम मापते हैं। लाइट ईयर से तो हम डिस्टेंस मापते हैं, सो इनकोरेक्ट कौन सा पेयर है? ओनली 3। ऑप्शन 1 है इसका राइट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड? तो वर्ल्ड की ये बात पूछ रहे हैं, सो वर्ल्ड का जो सबसे पहला था वो था सीडीसी 6600। 1 है राइट आंसर। फोग क्लाउड्स मिस्ट आर एग्जांपल ऑफ, किसके एग्जांपल हैं भाई ये? एरोसोल। ऑप्शन 1 है राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम? क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaO। हु वॉज अ पायोनियर ऑफ चिपको मूवमेंट ऑफ 1973? कौन था भाई? सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन 3 है राइट आंसर। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड वैक्सीन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज? कौन सी डिसीज के लिए एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन की खोज की थी? स्मॉल पॉक्स की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट फॉर्म्स अ मार्केट डज नॉट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर प्राइस? भाई मार्केट का मतलब कि कोई कंट्रोल नहीं होता चीजों के प्राइस के ऊपर, इस मार्केट को हम किस टाइप की मार्केट बोलते हैं? परफेक्ट कॉम्पिटिशन। Which of the following is represented by Lorentz curve? Lorentz curve से आप क्या represent करते हैं? Income distribution। Which of the following is not a fundamental duty? तो कौन सी fundamental duty नहीं है? Abolition of title except military and academic। तो ये आपकी जो है fundamental duty नहीं है। Which article can be used by the President of India to declare financial emergency? Article 360।
पूना पैक्ट वॉज साइन बिटवीन महात्मा गांधी एंड, पूना पैक्ट किसके बीच साइन हुआ था, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। विच गवर्नर जनरल एबॉलिश्ड द सती सिस्टम इन इंडिया, तो सती प्रथा किसने खत्म की थी, लॉर्ड विलियम बेनेटिक ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस इन अर्थ एटमोस्फेयर, तो कौन सी नहीं है भाई, हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन इंडिया, इंडिया में मैक्सिमम किस प्रकार के फॉरेस्ट मिलते हैं, ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट। विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, तो यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ नेगेटिव होता है। इन हाउ मेनी पार्ट इज द ह्यूमन ब्रेन डिवाइडेड, कितने पार्ट में डिवाइड है हमारा ब्रेन, थ्री पार्ट में। इन विच ऑफ फॉलोइंग क्लास कैन वी पुट एंड्रेलिन, तो किस में आप जो है एंड्रेलिन को पुट करेंगे, हॉर्मोन्स है ये, एंजाइम है, प्रोटीन है, फैट है, तो ये हॉर्मोन है। सुपर कूलिंग इज अ कूलिंग ऑफ लिक्विड, तो सुपर कूलिंग क्या होती है, जिसमें हम बिलो फ्रीजिंग पॉइंट से जो है लिक्विड को कूल करते हैं, उसे हम जो है सुपर कूलिंग बोलते हैं। ऑप्शन टू है राइट आंसर। व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दिस फिनोमिनन ऑफ चेंजेस ऑफ चेंज इन इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है लाइट की जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, कौन सी इनपुट डिवाइस इनमें से नहीं है कंप्यूटर की आपको बताना है, प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड, किसको कार्बोलिक एसिड भी बोला जाता है, फिनॉल को, ऑप्शन वन है राइट आंसर। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर्ड किया था, जे जे थॉमसन ने। हु इज मेजर ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे जो है कौन से व्यक्ति हैं आपको बताना है, मेघा पाटकर। हु इन्वेंटेड रेडार, रेडार किसने इन्वेंट किया था भाई, ए एच टेलर एंड लियो सी यंग ने, ऑप्शन टू है राइट आंसर। जापानीज आर्ट इकेबाना रिलेटेड टू, जापानी आर्ट इकेबाना रिलेट किससे रिलेट करती है, फ्लावर अरेंजमेंट से। इन सेंट्रली प्लान इकोनॉमी द डैश प्लान्स ऑल द इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन द इकोनॉमी, तो सेंट्रली प्लान इकोनॉमी के अंदर कौन प्लान करता है, गवर्नमेंट। डैश मीन्स दैट सुप्रीम कोर्ट विल रिकंसिडर द केस एंड लीगल इश्यूज इन्वॉल्व इन इट, कौन से किसका मतलब है ये, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, ऑप्शन थ्री है राइट आंसर। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन मीन्स दैट सुप्रीम कोर्ट विल रिकंसिडर द केस एंड द लीगल इश्यूज इन्वॉल्व इन इट। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्रीज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 60 to 62, तो कौन से अमेंडमेंट ये आपसे पूछ रहा है, 15वें अमेंडमेंट की बात हो रही है। ड्यूरिंग देयर रूल द ब्रिटिश परसुएडेड और फोर्स्ड कल्टीवेटर्स इन मद्रास टू ग्रो, मद्रास में जो किसान थे उनको क्या उगाने के लिए मजबूर किया गया था ब्रिटिश राज में, राइस। द क्वीन विद द टाइटल दीदा रूल्ड ओवर विच पार्ट ऑफ इंडियन बिटवीन 1980 to 1003, सो भाई कौन से जो है जगह पे इन्होंने राज किया था, कश्मीर के ऊपर। इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद विच कंट्री, नॉर्थ वेस्ट की बात हो रही है सो पाकिस्तान से लगती है। द पार्ट ऑफ हिमालयन लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर इज नोन एज, तो उससे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कुमाऊ हिमालय। पोटैटो टोमेटो ब्रिंजल आर थ्री डिफरेंट स्पीशीज बट ऑल बिलोंग टू विच जीनस, तो कौन से जीनस से ये बिलोंग करती हैं, सोलेनम। द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर कॉल्ड, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोजाइलम। नेरिस फेरेटिमा एंड हिरुडिनेरिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच फाइलम, यानी कि अर्थवॉर्म ब्लड सकिंग लीच किसके एग्जाम्पल हैं, एनिलिडा, ऑप्शन थ्री है राइट आंसर। इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो हमारी जो आवाज होती है कहां से निकल के आती है, लेरिंग्स, ऑप्शन टू है राइट आंसर। वोकल कोड इन मैन आर अबाउट, हमारी जो वोकल कोड है कितनी लंबी होती है, 20 mm। द डैश यूज एन एड्रेसिंग स्कीम नोन एज URL टू इंडिकेट द लोकेशन ऑफ फाइल्स ऑन द वेब, कौन इसको यूज करता है भाई, वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन टू है राइट आंसर। मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सोल्यूशन ऑफ एसिड बेस एंड, तो किसके होते हैं भाई, सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट के सोल्यूशन होते हैं
विच बेस इज प्रेजेंट इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो कौन सा प्रेजेंट होता है भाई, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन वन है राइट आंसर. डैश इज द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग अ फॉरेस्ट दैट वंस एग्जिस्टेड बट वॉज रिमूव्ड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, तो कौन सी प्रोसेस की यहां पे बात हो रही है, रिफोरेस्टेशन की. हु डिस्कवर्ड सोडियम, सोडियम को डिस्कवर किया था हम्फ्री डेवी ने. जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली वॉज बिल्ट इन विच सेंचुरी, तो कौन सी सेंचुरी में वो बनी थी, 17th सेंचुरी में. विच रेलवे स्टेशन इज यूज फॉर इमिग्रेशन एंड कस्टम्स ऑफ पैसेंजर हु ट्रेवल ऑन थार एक्सप्रेस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, तो कौन सा रेलवे स्टेशन यूज किया जाता है, जीरो पॉइंट, ऑप्शन टू है राइट आंसर. द डैश एक्सचेंज रेट इज द रिलेटिव प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स इन टर्म ऑफ डोमेस्टिक गुड, तो किसकी बात हो रही है यहां पे, द रियल एक्सचेंज रेट की. डैश इज एन अल्टरनेटिव वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्शन फंक्शन, तो प्रोडक्शन फंक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आइसोक्वेंट से, ऑप्शन थ्री है राइट आंसर. यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज लिस्टेड इन द डैश लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सो यहां पे आंसर है इसका यूनियन. यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज लिस्टेड इन द यूनियन लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. देर आर टोटल डैश पार्लियामेंट्री सीट्स इन पंजाब, कितनी सीट्स हैं पार्लियामेंट की पंजाब में, 7. बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स इन द 17th सेंचुरी वर एक्नॉलेज्ड एज डैश बाय एग्जिस्टिंग किंग्स, तो इनका क्या आंसर है, समंताज कहा जाता था उन्हें. द आगरा फोर्ट वॉज बिल्ट बाय, आगरा फोर्ट किसने बनवाया था, अकबर ने. द नदन प्लेन ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म्ड बाय इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम नेमली द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन थ्री है, सॉरी ऑप्शन वन है इसका राइट आंसर. डैश आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वेटिक बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन ऑर्गेनिज्म, तो यहां पे किसकी बात हो रही है, अलगई की. इफ द ऑर्बिट ऑफ अ प्लेन इज एन एलिप्स देन व्हाट इज द पॉइंट एट विच द सन इज लोकेटेड कॉल्ड, तो उसे हम क्या कहेंगे, फोकस. द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन छोटा होता है एज कंपेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन. डैश ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज इज अ टेक्नोलॉजी वेयर डाटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल लेयर्स इन ऑप्टिकल डिस्क, इसकी बात हो रही है यहां पे 3D की. केल्विन इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डैश, केल्विन से हम टेम्परेचर मापते हैं. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मिंग ऑन आयरन कोल्ड, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग. डैश एक्ट एज अ शील्ड अब्सॉर्बिंग अल्ट्राव्योलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, तो भाई कौन जो है अल्ट्राव्योलेट रेडिएशन एब्सॉर्ब कर लेता है, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है. हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी को किसने इन्वेंट किया था, विलियम इन थोवन, ऑप्शन वन है राइट आंसर, विलियम इन थोवन. हु इज द विनर ऑफ 2017 फॉर्मूला 1 चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स, तो कौन थे, लुईस हैमिल्टन थे. इन विच सिटी ऑफ इंडिया इज चार मीनार लोकेटेड, हैदराबाद के अंदर है चार मीनार. विच ऑफ फॉलोइंग वॉज द विनर ऑफ ग्रैमी अवार्ड 2016 रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, तो किसने ये अवार्ड जीता था, अपटाउन फंक. In a market system, the central problems regarding how much and what to produce are solved through the coordination of economic activities brought about by dash signals. तो कौन से सिग्नल की बात कर रहा है, प्राइस सिग्नल की, ठीक है. प्राइस सिग्नल से ही पता चल जाता है कि मार्केट में हमें कितना और क्या उगाना है, ठीक है. Constituent Assembly of India was founded in year, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कब establish हुई थी, 1946 में. Which fundamental right in Indian constitution allows citizen to move the court if they believe that any of their fundamental right have been violated by the state? तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, right to constitutional remedies की बात कर रहा है, article 32. During their rule the British persuaded or forced cultivator in Punjab, पंजाब में जो है
ब्रिटिशर्सों के द्वारा किसानों को जो है फोर्स किया गया था कि वो क्या उगाए, वीट, गेहूं। द रेड फोर्ट इन दिल्ली वॉज द रेजिडेंट ऑफ एम्परर ऑफ विच डायनेस्टी इन 16th सेंचुरी। 16वीं सदी में जो दिल्ली था, लाल किला था, ठीक है, वो घर था, रेजिडेंट था किस एम्परर का? मुगल का, मुगलों का था। इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट, कितने की लैंड बाउंड्री है इंडिया की भाई? 15,200 किलोमीटर। पत्तकई हिल्स बिलोंग्स टू विच माउंटेन रेंज? तो पत्तकई हिल्स जो है किससे बिलोंग करती हैं? पूर्वांचल से। आरबीसी आर फॉर्म्ड इन डैश इन द एडल्ट्स, तो आरबीसी कहां बनती है? बोन मैरो में। ऑप्शन टू है राइट आंसर, रेड बोन मैरो। द लेटर सेकेंड फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर कॉल्ड, तो इसे हम क्या बोलेंगे? मेटाजाइलम। जो पहले बनते हैं वो भी मैंने अभी आपको बताया था, प्रोटोजाइलम बोलते हैं, और जो बाद में बनते हैं, सेकंड बनते हैं, उसे हम मेटाजाइलम बोलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेट, तो कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है? हार्ट इज डोर्सल इफ प्रेजेंट, ठीक है, ऑप्शन थ्री है राइट आंसर। इन साइंस अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, तो इसे हम क्या बोलते हैं? फोर्स। देर आर हाउ मेनी वोकल कोड इन ह्यूमन वॉइसिस, कितनी वोकल कोड होती है ह्यूमन वॉइसिस के अंदर भाई? टू। द एट्रीब्यूट डैश स्पेसिफाइज इन पिक्सल द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स, तो किसकी बात हो रही है यहां पे? सेल स्पेसिंग की, ऑप्शन फोर है राइट आंसर। वट इज द नेम ऑफ द एसिड इन एन आंट स्टिंग, जो वो चीटी डंक मार लेती है तो कौन सा एसिड रिलीज होता है? फॉर्मिक एसिड छोड़ती है। वट बेस इज प्रेजेंट इन सॉप, क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, लैंड, वाटर और सोयल इज कॉल्ड, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन। डैश स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ चिल्ड्रन, तो यहां पे बाल स्वच्छता मिशन की बात हो रही है, ऑप्शन टू है राइट आंसर। हु डिस्कवर्ड द कलर फोटोग्राफी, किसने इसको वही डिस्कवर किया था? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। हु वॉज द होस्ट नेशन ऑफ 2014 फीफा वर्ल्ड कप, कहां पे हुआ था भाई ये? ब्राजील में। जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली वॉज बिल्ट बाय, किसने बनवाया था जामा मस्जिद को दिल्ली की? शाहजहां ने। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन द ऑस्कर 2017 बेस्ट पिक्चर, 2017 की सबसे बेस्ट पिक्चर कौन सी थी? मूनलाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोन फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, भाई जो इंडिया से पाकिस्तान तक बहती है वो है सतलुज, गिवन ऑप्शन में से। द क्लोजेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रली प्लान इकोनॉमी इज द डैश फॉर द मेजर पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, सो सोवियत यूनियन। सेंट्रली प्लान इकोनॉमी का एग्जाम्पल जो है 20वीं सेंचुरी में आपको, 20वीं सदी में आपको कहां देखने को मिला? सोवियत यूनियन में। डैश इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल इनपुट एंड आउटपुट कीपिंग ऑल अदर इनपुट आर हेल्ड कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल इनपुट एंड आउटपुट कीपिंग ऑल अदर इनपुट्स आर हेल्ड कॉन्स्टेंट। डैश मीन्स केसेज दैट कैन बी डायरेक्टली कंसिडर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू लोअर कोर्ट बिफोर दैट, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की। Under which of the following jurisdiction can any individual whose fundamental right has been violated can directly move the Supreme Court for remedy? तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? Writ jurisdiction की, option 2 है right answer. During their rule the British persuaded or forced cultivator in Bengal, तो बंगाल में किसानों को जो ब्रिटिशर्सों के द्वारा force किया गया था क्या उगाने को? Jute, option 1 है right answer. The Mongol under Dash invaded ट्रांसोक्सियाना इन नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219, तो यहाँ पे बात हो रही है जेंगीज खान की, गेंगीज खान, ऑप्शन फोर है राइट आंसर। इन द बायोस्फेयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल द लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज, तो इस प्रकार के लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? इको सिस्टम। द पार्ट ऑफ हिमालय बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर इज नोन एज, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? असम। अदर नेम ऑफ प्लेटलेट, प्लेटलेट को और किस नाम से जाना जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स।
इन स्टेम्स द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड द सेंटर एंड द मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड द पेरिफेरी ऑफ ऑर्गन. दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एंडार्क. ऑप्शन 4 है राइट आंसर. डैश इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, तो कौन सा है, मोल्यूसेक. ऑप्शन 1. इन अ क्वालिटेटिव वे द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया. द टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन इज कॉल्ड इट्स, तो इसे हम क्या बोलते हैं, उसका टाइम पीरियड. टीच टेक्स्ट इज अ टेक्स्ट एडिटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये मैकिंटोश में यूज होता है. ऑप्शन 4. मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस, तो क्या प्रोड्यूस करेंगी मेटल, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगी. विच बेस इज प्रेजेंट इन लाइम वॉटर, लाइम वॉटर में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट्स इन वॉटर ऑल्सो कोज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ डैश एलगी, तो किस प्रकार की एलगी आ जाती है भाई, प्लैंकटॉनिक. ऑप्शन 3 है राइट आंसर. हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक ट्रैम, इलेक्ट्रिक ट्रैम का आविष्कार किसने किया था, फ्योडोर पायरोस्की ने. हु वॉज द 2015 में मैंस रग्बी वर्ल्ड कप किसने जीता था, न्यूजीलैंड ने. इंडियन मुगल पेंटिंग ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच मुगल एम्परर, कहाँ से जो इंडियन मुगल पेंटिंग का जो दौर है सबसे ज्यादा जो कहा जाता है कि ऊंचाइयों पर था, किसके राज में, हुमायूं के. द दिल्ली लाहौर बस इज ऑफिशियली नोन एज, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सदाए सरहद. फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जीडीपी ऑफ अ कंट्री नॉट डिराइव्ड फ्रॉम, तो इसका आंसर है इंटरनेशनल सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर कंसिडर करते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर कंसिडर करते हैं, सर्विस सेक्टर हम कंसिडर कर सकते हैं बट नॉट इंटरनेशनल सेक्टर. डैश इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू इनपुट दैट याइल्ड द सेम मैक्सिमम पॉसिबल लेवल ऑफ आउटपुट, तो यहां पे किसकी बात हो रही है, आइसोक्वेंट की. ऑप्शन 3 है राइट आंसर. डैश मीन्स दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रेफर एनी मैटर दैट इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस और दैट विच इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस, तो यहां पे कौन से ज्यूरिसडिक्शन की बात हो रही है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की. देयर आर टोटल डैश पार्लियामेंट्री सीट्स इन सिक्किम, कितनी है, एक है. दारा शिकोय वॉज किल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद हिज ब्रदर, दारा शिकोय मरा था, ठीक है, किसने मरवाया था उसको, औरंगजेब ने. द अरेबिक वर्क ऑफ अल बिरूनी दैट गेव एन अकाउंट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट इज कॉल्ड, तो उसका किताब का क्या नाम है, किताब अल हिंद, किताबे हिंद, किताबे हिंद. ऑप्शन 1 है राइट आंसर. हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज डज इंडिया हैव एज अ जून 2017, कितनी है भाई, 7 हैं. अब कितनी हो गई हैं आज की डेट में, 9, नोट कर लीजिए, एक लद्दाख है और एक जम्मू एंड कश्मीर. द नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड ऑफ, तो किससे बना है, अलुवियल सॉइल से. ऑप्शन 3 है राइट आंसर. लियोन लियोपार्ड एंड टाइगर आर ऑल स्पीशीज ऑफ विच जीनस, तो ये किसकी है भाई, स्पीशीज, पेंथीरा. ऑप्शन 2 है राइट आंसर. देखिए 226 से हमने शुरू किया था और 434 स्लाइड नंबर पे हम पहुंच चुके हैं, ठीक है. नेक्स्ट है आपका, डैश आर मेड अप ऑफ स्कैरेलिन मेटोस सेल्स, दीज आर जनरली एबसेंट इन प्राइमरी फॉलेम बट आर फाउंड इन सेकेंडरी फॉलेम, तो किसकी बात यहां पे कर रहा है, फॉलेम फाइबर्स की. ऑप्शन 4 है राइट आंसर. द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स, तो स्ट्रेंथ किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड से. वट टाइप ऑफ अ बॉडी प्लान डज कोएलेंट्रेट्स, अभी क्या नाम है ये, टेनोफोरस एंड एकिनोडर्म्स है, तो यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, रेडियल. डैश इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, तो कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है, लाइनेक्स. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या देगा हमें, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड.
व्हाट इज रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस कॉल्ड, तो इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट ऑलमोस्ट 10% फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट इन ट्रॉपिक कंपेयर टू ओनली 1% इन द टेम्परेट रीजन। तो यहां पे इसका आंसर है 40। हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन, किसने खोजा था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। इन विच सिटी ऑफ इंडिया इज धमेक स्तूपा लोकेटेड, धमेक स्तूपा कहां पे है भाई, वाराणसी में। द डैश एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ वन यूनिट ऑफ फॉरन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, तो यहां पे किसकी बात हो रही है, नॉमिनल की, नॉमिनल एक्सचेंज रेट की। डैश ऑफ एन इनपुट इज डिफाइंड एज द चेंज इन आउटपुट पर यूनिट ऑफ चेंज इन इनपुट व्हेन ऑल अदर इनपुट्स आर हेल्ड कॉन्स्टेंट, तो यहां पे किसकी बात कर रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट की, ऑप्शन वन है राइट आंसर। ट्रेड यूनियंस इज लिस्टेड इन द डैश लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन सी लिस्ट में है भाई, ट्रेड यूनियन कॉन्करेंट लिस्ट में। डैश रेट इज इशूड बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट व्हेन अ लोअर कोर्ट हैज कंसिडर्ड अ केस गोइंग बियॉन्ड इट्स ज्यूरिसडिक्शन, तो यहां पे कौन सी रेट फिर इशू की जाएगी, अपर कोर्ट के द्वारा, प्रोहिबिशन। अरेस्ट ऑफ डैश इन 1930 लेड टू एंग्री डेमोन्स्ट्रेशन इन स्ट्रीट ऑफ पेशावर, तो यहां पे इसका आंसर है अब्दुल गफ्फार खान। The Daesh were the successors of Timur, the ruler of Iran, Iraq and modern day Turkey. तुर्की, तो कौन है भाई successor, मुगल। Beyond the Daesh, the Himalaya bent sharply to the south and spread along eastern boundary of India. तो यहां पे कौन सी जगह की बात कर रहा है, दिहांग गोर्ज की, ऑप्शन टू है इसका राइट आंसर। Beyond the दिहांग गोर्ज द हिमालयन बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। द नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट ले टू कश्मीर वैली थ्रू द, कौन सा पास बीच में आता है, जोजिला पास। इन द नेम्स ऑफ मैग्निफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरसोम एंड पेंथेरा लियो, तो मैग्निफेरा इंडिका मैंगो, सोलेनम ट्यूबरसोम पोटैटो, पेंथेरा लियो लायन। The terms Magnifera, Solanum, Panthera represent the higher level of, तो यहाँ पे इसका आंसर है टैक्सोन। टेनिया जिसे हम टेपवॉर्म बोलते हैं, फेसियोला जिसे हम लिवर फ्लूक बोलते हैं, आर एग्जाम्पल ऑफ विच फाइलम, तो किसके एग्जाम्पल हैं ये, प्लेटी हेल मिंटथेस, ऑप्शन टू है राइट आंसर। If the mass of an object is 60 kgs, what will be its weight on the moon? तो कितना वेट होगा, 100 न्यूटन। The side mirror of vehicles are of which type of mirror? तो side vehicles जो होते हैं किस type के mirror होते हैं भाई, side vehicle में किस type के mirror होते हैं, क्या मैं बोल रहा हूँ, उल्टा बोल रहा हूँ, जो व्हीकल्स होते हैं उसमें जो साइड मिरर लगे होते हैं उसमें किस प्रकार का लेंस यूज होता है, ये क्वेश्चन है, कन्वेक्स लेंस यूज होता है, बस ऐसा समझ लो। एक्चुअली क्वेश्चन इतने बोल गया मैं जल्दी जल्दी में, तो फ्लो सा वो ऐसा और का है। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द डैश फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू अमोंग द वैल्यूज पास्ड एज आर्ग्यूमेंट, तो यहां पे किसकी बात कर रहा है, मैक्स फंक्शन। In an acid-base reaction, which product is produced along with salt? क्या produce होगा? Water. What is the process of melting also called? तो इसे हम क्या बोलते हैं? Fusion भी बोलते हैं. Which one of the following is not a major abiotic factors? कौन सा इसमें abiotic factor नहीं है? Air. Who discovered potassium? Potassium को किसने discover किया था? Humphrey Davy ने. Where is Humayun tomb located? Humayun का मकबरा कहाँ पे है? बताइए, न्यू दिल्ली में। देखिए, जब कोई भी प्रश्न आपको गलत लगता है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हमें स्टूडेंट्स का नुकसान नहीं करवाना है। यदि हमसे गलती हो जाती है तो आपसे नहीं होनी चाहिए। जिस स्टूडेंट को करेक्ट आंसर बताए कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। Which nation is not a part of the South Asian Free Trade Area? तो कौन से एरिया की बात हो रही है? चाइना, ऑप्शन वन। तो ये थे भाई आपके, देखिए 400
62 पे स्लाइड आके खत्म होगी। इस पर आपको टोटल क्वेश्चन मिला लीजिएगा, 250 से आपके पास क्वेश्चन हो गए लगभग, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए जल्दी से यदि आप अगली वीडियो चाहते हैं। तो शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।